नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास गोदान का 28वां भाग। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए सच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर कटती थी, पर गोबर अब वह गोबर थोड़ा ही है, उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीनों से सहुआइन एक पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा, पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुल्हारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए, लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो, दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता पहना कर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया के मान मनोवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहां बिठा दिया और आप परदेश की राह ली, फिर न खोज ली न खबर ली कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं और ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, झुनिया मैं भगवान की साक्षी देकर कहता हूँ जो मैंने कभी किसी और की ओर ताका भी हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मेरे मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। झुनिया ने कहा, दादा तो मेरी जान लेने पर उतारू थे। गोबर, सच? झुनिया, तीनों जने यहाँ चढ़ाए थे, अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। गोबर, इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं? दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा की भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। गोबर बोला, तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? झुनिया, खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाराज के सांझे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे, उसकी गर्मी यों भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला हुआ डाका, तीन तीन साल को चले जाएंगे तीनों, यों न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला तो था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपए डांड के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर, उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद ना आया। उसका रक्त खौल रहा था, कमर में रुपए आँच और तेज कर रहे थे। वह एक एक को समझेगा, पंचों को उस पर डांट लगाने का अधिकार क्या है, कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला। उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा। अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई।
क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने। बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा, जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। छुनिया ने बच्चे को उसकी गोद में से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो, किस सोच में पड़ गए? यहां सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। रोबर ने कहा, मेरा गधापन था कि मैं घर से भागा, नहीं तो देखता कैसे कोई एक धेला डांट लेता है। छुनिया बोली, शहर की हवा खाए हो तभी ये बातें सूझने लगी है, नहीं तो घर से भागते ही क्यों। गोबर बोला, यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दादा तीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। झुनिया, रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है जायद, लाओ निकालो, देखो कितने दिनों में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया, हाँ अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा, साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। झुनिया बोली, अम्मा जाने देंगी तब तो। गोबर बोला, अम्मा क्यों ना जाने देंगी, उनसे मतलब? झुनिया, वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी, तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ। वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती, जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेसी करते रहोगे। गोबर ने कहा, और यहाँ बैठकर क्या करूं, कमाओ और मरो, इसके सिवाय और यहाँ क्या रखा है। थोड़ी सी अक्कल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहां भूखो नहीं मर सकता, यहाँ तो अक्कल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुफलाए हुए हैं? झुनिया ने कहा, अपने भाग को बखानों के मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। गोबर बोला, तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। झुनिया बोली, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा, जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं कि बहू को कुछ न कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं, किसे घर में बैठा कर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है, ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए, अब तो मजबूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कर आया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था, हाँ पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम ना किया और ना कुछ बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकरी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा, कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया, यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे, कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज्यादा ना कमा पाते थे और यह गवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा, उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते थे? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है, उसे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले,
इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते बने। गांव में तो तीन आने भी नहीं मिलते। भवनिया, जो उनके जेठ पुत्र का नाम था, को भी कहीं का एक काम दिला दो तो भेज दो। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं तो साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र ही है, तलब थोड़ी है, कुछ गम नहीं। हाँ, चार पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इलम की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंच कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हौले से लगा दो ना, भंग पीकर परे रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जा खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती में करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांट लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को मरते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पे मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछ उखरवा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव में बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी, अब तो रहोगे कुछ दिन। गोबर ने कहा, हाँ अभी तो रहूंगा कुछ दिन, उन पंचों का दावा करना है जिन्होंने डार के बहाने मेरे 150 रुपए हजम किए हैं। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात से बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गर्म कर दो। बड़ा मुदगनी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर आसामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहां मुझे रहना ही नहीं है, नहीं तो एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा, खूब भंग उठे, दूधिया भी, रंगीन भी, और रंगों के साथ कालिख भी बने, और मुखियों के मुंह पर कालिख ही पोती जाए, होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्दूर आई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे, उसे चैन नहीं, वो लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी,
3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की ही थी। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांड के भरे। यह है गाँव होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? गोबर ने कहा, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। होरी बोला, मैं भी चलूं तो कोई हर्ज है? गोबर बोला, हाँ बड़ा हर्ज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लेकर बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ, तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे, अब किससे कहूँ, दौड़ कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई, एक छिन सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। उतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता। और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा, कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूं, राम राम, आज ही आया हूं, सोचा चलूं सबसे मिलता हूं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उसने मुझसे कहा है कि एक दो आदमी मिल जाएं तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए मैदान से हटने वाले नहीं, इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाठ बाट देख कर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौंधे जूते भी मयसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ है। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यों ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया, बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहां तो पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं, क्या रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए।
जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? गोबर ने बोला, काम चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। असामी से गट गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपया अठाने रोज बना सकते हो। जंगी ने कहा, रहने की जगह भी मिलती है? गोबर ने कहा, जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं, कामता है कि कहीं गए हैं। जंगी ने कहा, दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन दो पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गोबर ने कहा, हाँ हाँ बेखटके चलो होली के बाद। गंजी ने कहा, तो पक्की रही? दोनों आदमी बातें करते करते भोला के द्वार पर पहुंचे। भोला बैठे सुतली कात रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली कातना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में कहा, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो तो अब क्या कहूं। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्ची लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक ना एक उपद्रव करता रहता था, बाहर चला जाएगा तो चार पैसे पैदा तो करेगा, ना किसी को कुछ दे अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो साल दो साल में आदमी बन जाएंगे। भोला ने कहा, हाँ जब इनसे रहते बने। गोबर, सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। भोला, तो कब तक जाने का विचार है? गोबर, होली करके चला जाऊंगा, यहाँ खेतीबाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। भोला ने कहा, होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। गोबर, कहता तो हूं लेकिन जब उनसे बैठा जाए। भोला, वहां किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी, खांसी बहुत दिक कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। गोबर ने कहा, एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोसी में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को रोज करती है कि दिन को? भोला बोला, नहीं बेटा रात को, आंख नहीं लगती, नहीं वहां कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूं, यहां तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। गोबर बोला, रोजगार का तो मजा तो वहां है काका, यहां क्या होगा, यहां रुपए का 10 सिर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है, वहां 5-6 सिर के भाव से चाहो तो घरी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया अब इस जंजाल से जी उग गया है, जंगी के का हाल तो देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे ही करना पड़ता है, अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं, कहां तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं, खांसी आती है रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटा पानी को भी नहीं पूछता, पगैया टूट गई है मुदा किसी को इसकी सुधी नहीं है, जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद, कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है, मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ, मेरी चाय की दुकान भी है, 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ, तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली शान सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा,
क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना, यहाँ कौन खेतीबाड़ी होती है। गोबर बोला, मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। भोला, नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ। गोबर, तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। भोला, रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो हैं, बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तो तुम में और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की दो हाड़ियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। धन्यवाद।